देखो ये है मोर। देख रहे कितनी ज्यादा वाह। तो बैठे देखो पब्लिक को कैसा भागते हुए जा रही है। क्या है चलो देखते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम टू समीर एंड समीन ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं खैरियत से हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम दोनों भी खैरियत से हैं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं समीर? आज हम जा रहे हैं रानीबाग। तो चलिए आप लोगों के बाद बहुत दिन से झगड़े भी चालू थे हम लोग के, रानीबाग जाना है। तो फाइनली आज हम रानीबाग जा रहे हैं, तो आप भी चल जाए हमारे साथ में रानीबाग और फुल इंजॉय करने गए। समीन का मूड चढ़ा हुआ था, मैं जूह चौपाटी हो रहा था, बाकी समीन को रानीबाग जाना था, काफ़ी टाइम से जाना था। चल अभी रानीबाग, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ में। चलिए तो गाइस आप देख सकते हो हम लोग पहुँच गए रानीबाग। बड़ी क्राउड है आज। देख सकते हो पब्लिक बैठी है, एंजॉय कर रही है फैमिली अपने अपने साथ में। ये पार्किंग ये जो आप देख रहे हो, इतनी गर्दी है इधर पे, ये टिकट की लाइन है। फिलहाल में अभी तो समीन भी टिकट की लाइन में खड़ी है। चलिए आपको दिखाता हूँ किधर है वो। उसको ढूंढ रही है मैं किधर हूँ, पर उसको पता नहीं है मैं उसके सामने ही हूँ। बड़ी गुस्से में देख रही है। तो गाइस जैसे कि हमने भी टिकट ले लिए, अब जा रहे हैं हम अंदर, इसलिए हमारे साथ में। क्राउड बहुत है आज। वो गेट है एंट्री का, ये एग्जिट है। आज बड़े दिनों बाद समीन का फाइनली रानीबाग जाने का प्लान सक्सेस हो गया। बड़ी गुस्से में आज उनको देखे, अरे चेहरे पे स्माइल। चलिए अंदर। समीन का मुंह फुका हुआ है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये जू मुंबई पूरा मैप बना हुआ इधर पे। अभी फर्स्ट पे हम जा रहे हैं एलिफेंट के पास, फिशेर। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट पे, जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट पे एलिफेंट है। आप देख सकते हो बहुत क्राउड है, ये आगे खड़ा है जी। आप भी देख सकते हो एलिफेंट को, थोड़ा बीमार सा लग रहा है, नहीं वो दूर से ऐसा लग रहा है। तो कौवे भी सता रहे उसकी पीठ के ऊपर बैठे। इतने बड़े जंगल में एक अकेला, टाइगर को देखते हुए कितने लोग परेशान हो। ये समूह भी देखो गर्दी में घुस चुके। तुमसे ना हो पाएगा। टाइगर देखना है, टाइगर टिटोरी टाइगर का नहाने के लिए, इसमें वो स्विमिंग करता है। देख सकते टाइगर सबसे खफा है उससे, नहीं दोनों हिप्पो नहा रहे अंदर, देख सकते हो कौवे बैठे और वो कुछ देखना। देख सकते हो हिप्पो एक पानी में है, दोनों एक बाहर घूम रहे हैं। कितना बड़ा है ना सेम। आप देख सकते हो मंकी घूम रहे।
नीचे भी बच्चा बैठा है उसका, नीचे नीचे देखो, ये शायद से मादी है, देख सकते हो छोटा सा बच्चा जा रहा है उसके पास, उसकी माँ के पास जा रहा है ये मंकी ऊपर, देखो ये नीचे जाली पहनाया दिख रहा है नीचे। तो गाइस आप देख सकते हो हमने हाथी देखा, शेर थानी पिंजरे में, फिर हमने क्या देखा सर, हिप्पो देखा, फिर हमने मंकी भी देखा, अभी जा रहे हम आगे देखते और क्या है। तो चलिए तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं के लिए, स्विमिंग पूल है उसमें आगे नहाते हो, शर्मा के पीछे चले गए वो तो जा रहे उसको ढूंढने, हमने हिरन हिरन देख रहे कितनी ज्यादा, वाह वो लोगों के इंटरप्रिटेशन के लिए ये बैठे हैं, जो एक सामने बैठे है वो साइड पे कौन है, बाबा सिंह है इधर, हाँ सुकून से बैठे दोनों, ए सही वो सिंगा थी, ये आई थिंक सो हिरन है क्या, देखो दो उधर पे घूम, एक इधर पे घूम रहे वो हिरन, ये बच्चे, ये लायन का वो है पिंजरा है, बट इसमें भी लायन है नहीं, काम चल रही है उसका, अच्छा बना रहे, देखते फिर कभी आएंगे तो मिलेगा लायन। सैम ये कैंटीन है खाने के लिए, कैफे वाइल्ड है खाने की जगह, बैठ के खा रहे हैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सांप का है पिंजरा, बाकी वो सांप देख तो नहीं रहा है, सब देखने की कोशिश करे बट नहीं, दो उधर एक उधर घूम रहा है, दो बल्ब के नीचे, मम्मी तो बड़ा वाला भी था आगे, वो दोनों लड़ रहे किससे से, वो सैम चलिए आगे का भी कुछ है तो वो भी दिखाते हैं, क्या बोले दादा
दादा घूम रहा है। देखो पब्लिक को कैसा भागते हुए जा रही है। क्या है, चलो देखते हैं अंदर चल के। देखते हैं अंदर है क्या। वैसे अंकल भी बुला रहे थे क्या ये सैम? ये था ब्लू वर्ल्ड जो अभी अभी बना है न्यू ब्लू वन विले सॉरी। वाओ ये हमारी एंट्री हो चुकी है। चलो फोटो फोटो वाले चलो आगे। वाओ सैम यहाँ पे सैम ये झूला मच्छरों के झूलने के लिए देख सकते हो। आसमिंगा गार्डन दिल खुश कर देते। चलो काम चालू है और जानवर वगैरह आने वाले हैं और अच्छा लगेगा। तो अभी हम जा रहे बाहर की तरफ। सो गाइस आज हमने पूरा रानीबाग घूम चुके हैं। कुछ काम बाकी था रानीबाग में जो अभी बन रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है बाकी अभी भी काम। इंशाल्लाह फिर कभी हम लोग आएंगे। बहुत लेट भी हो गया था हम लोग को आने में। मुझे आज भी लगा कि टिकट एंट्री नहीं मिलेगी बट अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया डिस्टर्ब। ये समीर का जो फ़ोन है ना बहुत फोन बजता है मेरा। जब कुछ वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे इनके फ़ोन की रिंग चालू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घूम लिया हमने। अब बाहर निकलने का टाइम है तो चलिए चलते हैं। पीछे देखिए अंकल भी खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रानीबाग घूम लिया है। हो गई है शाम। हमें लगी थी भूख क्योंकि कब से हम घूम रहे थे रानीबाग में। घूम घूम के प्यास भी लगी थी। तो अभी समीर ने मुझे ला के दिए है पानी की बॉटल। मैं पीते बैठी हूँ एंड वो गए हैं वड़ा पाव की। यह शॉप बहुत फेमस है। समीर गए लाने के लिए। क्राउड है गाइस। समीर आ चुके हैं लेके। क्या लेके आए समीर? ये मंचूरियन। मंचूरियन एंड लाए है वड़ा पाव जो इधर का बहुत ही फेमस है। एंड ये जो इनका फेवरेट कोक स्ट्रिंग एंड मेरे लिए स्प्राइट मेरिंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना। अच्छा यहाँ का फेमस है ये वड़ा पाव और मंचूरियन। बाइकल स्टेशन के बाहर पीछे साइड बहुत पानी शॉप है और अच्छी है टेस्ट भी रहता है खाने में। ये देखिए स्टेशन है उसके बस अपोजिट बैक साइड में ही है शॉप। गाइस मंचूरियन खा के हो गया। बहुत ही तीखा था मंचूरियन। मुझे तो पूरा आंसू और पसीना आ रहा है देख सकते हैं आप लोग भी। अभी हम खा रहे हैं वड़ा पाव जो यहाँ का फेमस है। देखो समीर भी खाते बैठे। समीर दिखाओ। ये समीर बचपन से यहाँ पे आके खाते हैं। उनके डैडी की शॉप है पीछे साइड फ्रूट्स की तो वो बचपन से यहाँ पे आके खाते हैं है ना समीर। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है हमारा खाना भी वड़ा पाव और मंचूरियन। बहुत ही अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत अच्छा गया। जैसे आप लोग ने देखा हम काफ़ी दिन से मेरा प्लानिंग था और दिल भी था। हम दो संडे के बाद गए। दो संडे प्लान किए बट दिल्ली बन रहा था तो हम लोग आज गए। इससे पहले गए थे तो बहुत लेट हो गया था। सब आ रहे थे तो हम फिर नहीं जा पाए। उसके बाद भी हम गए थे सेकेंड संडे तो उस टाइम पे भी नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ हो रहा था बन हो जाता लेट हो जाता है उससे में लाल हो रही बट मैं हाँ क्योंकि बच गया था बहुत टाइम हो गया था। आज भी लग रहा था बन हो जाएगा। ये मैं समीर पे बहुत गुस्सा कर रही थी कि अगर आज नहीं गया ना तो बोली मैं नहीं जाऊंगी फिर। आज का थर्ड टाइम था बट अल्हम्दुलिल्लाह
कि हम पहुंच गए और बहुत ही अच्छे से घूम भी लिया। आप लोगों ने देखा होगा अभी काम चालू है इसका, पूरा हुआ नहीं कंप्लीट, बहुत से और जानवर वगैरह आने भी बाकी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी घूमे आप तो को ही बताया है, पूरे जानवर वगैरह जितने भी थे अच्छा लगा, ठीक है। और इस ब्लॉग को ज़रूर बताना कैसा लगा, और आप लोग के बहुत से लोगों की के लिए देखते रहिए, बहुत प्यार कीजिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द हिट बेल आइकन, ताकि हमारे जो भी न्यू और लेटेस्ट ब्लॉग आएगी ना उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी। एंड ऐसी खूब प्यार दीजिए, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।